हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, लॉन्ड्री बास्केट बनाएंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसमें आप कपड़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या फिर गंदे कपड़े जो धुलने के लिए रखते हैं लॉन्ड्री बास्केट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं। तो मैंने पुरानी साड़ी ली है, पुरानी स्टॉल, दुपट्टे, बेडशीट, कोई भी पुराने कपड़े का यूज कर सकते हैं, कुर्ती, प्लाजो, कुछ भी ले सकते हैं, और प्लास्टिक की बोरी या फिर आटा बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम प्लास्टिक की बोरी लेंगे और आप इसे अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। तो एक प्लेट से हमें इसका सर्कल बना लेना है। आप प्लेट किसी भी साइज़ की ले सकते हैं, बड़ी, छोटी, कोई भी साइज़ की, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेना है। और देखिए, अब पुराने साड़ी का हम सेम पीस कट कर लेंगे जो हमने सर्कल कट किया था, और एक लाइनिंग भी कट कर लेंगे। तो नीचे में देखिए, लाइनिंग के लिए पुराने स्टॉल को कट किया है, और बीच में प्लास्टिक की बोरी रखा है, ऊपर मेन फैब्रिक रखा है। तीनों को पिन लगाते हुए सेट कर लेना, फिर इसके किनारे पे सिलाई लगा के बीच में सिलाई लगा लेना। तो देखिए, सिलाई लग गई है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो अब देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है, और एक साइड में हमें निशान लगा लेना है, और वहाँ पर से इंच टेप को रखते हुए घुमाते हुए इसके सर्कल का माप ले लेना है। इसकी जितनी भी मेजरमेंट आएगी उसमें हमें एक इंच प्लस करना है। तो इसमें लगाने के लिए देखिए, नीचे में पहले हम लाइनिंग रखेंगे, बीच में प्लास्टिक की बोरी रखेंगे, ऊपर में मेन फैब्रिक रखेंगे। इसकी लंबाई है 36 इंच और चौड़ाई है 16 इंच। इन तीनों को मिलाते हुए पहले हमें किनारे में सिलाई लगा लेना है, और फिर बीच में भी सिलाई लगा के इसका क्विल्ट कर लेना है। तो देखिए, सिलाई हो गई है, और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसे भी कट कर लिया है। और अब हम सीधी पट्टी लेंगे, 3 इंच की सीधी पट्टी लेंगे, इसका हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ऊपर के साइड में हमें पाइपिंग से फिनिश करना है। तो कपड़े को सीधा करके रखेंगे, और उसके ऊपर से इस तरह से रखते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, सिलाई लग गई है, और अब इसे देखिए एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये पाइपिंग लग के फिनिश हो जाएगी, ये हमारा पट्टी से फिनिश हो गया। अब देखिए, साइड की सिलाई हमें इस तरह से करना है। साइड की सिलाई हो गई है, और इस तरह के देखिए, शॉपिंग कैरी बैग तो सभी के घरों में बेकार पड़ी होती है, उसे फेंके नहीं, बहुत काम की चीज़ है। इसकी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो 1 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे, और इसको हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो ये देखिए, पट्टी कट हो गई है, और इसे देखिए ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें पाइपिंग लगा के इसको फिनिश कर लेना है। तो ये पाइपिंग लग गई है, और अब हमने जो सर्कल रेडी किया था उसे हमें अटैच करना है। इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेंगे। अगर पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से घुमाते हुए सर्कल को हमें मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। उसके बाद सिलाई करेंगे। पिन लगा लेने से अच्छे से ये सेट हो जाता है, और इधर उधर सरकता नहीं है। तो ये देखिए, पिन लग गई है, अब इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो अब सिलाई हो गई है, और इसे भी हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे, जो हमने 1 इंच की सीधी पट्टी कट की थी शॉपिंग कैरी बैग की। तो ये देखिए, पाइपिंग से ये फिनिश हो गया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, और इसे अच्छी तरह से हमें सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, सीधा हो गया है। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। हैंडल बनाने के लिए 2 फैब्रिक लिया है, 15x4 इंच का, और इसके बीच में प्लास्टिक की बोरी रखेंगे, 1 इंच चौड़ी पट्टी रखेंगे, और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका हैंडल रेडी कर लेंगे। दूसरे पीस में भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा हैंडल बनके रेडी हो गया है। अब इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो जॉइंट वाला साइड है उसे इस तरह से पकड़ेंगे, और फिर एक फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से सेंटर निकल जाएगा दोनों साइड में, और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान लगा लेंगे दोनों साइड, और सेंटर पर से रखेंगे, और 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड में। तो ये हैंडल के लिए निशान निकल जाएगा, और उसी तरह से पीछे की साइड भी हमें निशान लगा लेना है, दूसरे साइड भी। और अब इसमें हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो हैंडल को देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले पिन लगा के सेट कर लेंगे। आप चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं, या फिर फोल्ड नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे, तो वो अच्छे से सेट हो जाएगा और मजबूत रहेगा। पिन लगा के सेट कर लेंगे निशान के ऊपर से रखते हुए, फिर सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से दूसरे साइड भी, जहाँ हमने निशान लगाया है, हैंडल को फोल्ड करके रखेंगे, और फिर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये देखिए, हैंडल हमारा अटैच हो गया है, और नीचे के बेस के सेम साइज का हमें कोई कार्डबोर्ड ले लेना है।
कार्डबोर्ड लगाने से ये अच्छे से स्टिफ रहेगा, सेट रहेगा और इसमें अच्छा सा कड़कपन आ जाएगा। तो ये देखिए कार्डबोर्ड सेट हो गया है नीचे की तरफ से। अब देखिए इसमें आप जो धुलने के लिए कपड़े रखते हैं, गंदे कपड़े, उसे भी रख सकते हैं या फिर क्लॉथ को अच्छी तरह से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कार्डबोर्ड लगाने से कितने अच्छे से ये स्टिफ है। और इसकी लंबाई देखिए यहाँ से ये 15.5 इंच रेडी हुई है और इसकी गोलाई 11 इंच की है। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का ये हमारा लॉन्ड्री बास्केट क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। इसे आप अपने पसंद से साइज इसकी बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आइडिया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।